नालासोपारा के उसवाल नगरी में स्थित ये है माँ सरस्वती हॉस्पिटल। आपके घर से चंद कदम दूर इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नागरिक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। पांच लाख की आबादी वाले नालासोपारा शहर को वाकई में ऐसे अस्पतालों की जरूरत है जहां हर तरह की मुमकिन सर्जरी और एडवांस सर्जरी की जा सके। लोगों की हेल्थ और मेडिकल चिकित्सा संबंधी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीम गुप्ता, डॉक्टर संजीव चौरासिया और डॉक्टर कुंदन सिंह ने साथ मिलकर माँ सरस्वती हॉस्पिटल की नींव रखी। इमरजेंसी मामलों को संभालने के लिए एक अस्पताल में जितनी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, माँ सरस्वती अस्पताल उन सारी सुविधाओं से सुसज्जित है। आइए अब एक नजर डालते हैं अस्पताल की सुविधाओं पर। अस्पताल में डायलिसिस, आईसीयू, मैटरनिटी, ऑपरेशन थिएटर, नए जन्मे शिशुओं के लिए एनआईसीयू और सीसीवी जैसी व्यवस्थाएं मौजूद है। हमारा हॉस्पिटल मई 2021 में फॉर्म हुआ है और इसमें हमने कोशिश की है हमारे सारे डिपार्टमेंट्स क्लब करने की, जिसमें कि हमने डायलिसिस, आईसीयू, इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर यूनिट, मैटरनिटी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड और नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक्स, इस तरह से काफ़ी डिपार्टमेंट्स हमने इसमें क्लब किए हैं। और हमारे साथ में इस समय काफ़ी यहाँ के रिनोन सर्जन्स, रिनोन ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिशियन, गायनेक और फिजिशियंस हमारे साथ में इस समय काम कर रहे हैं। हम कोशिश हमारी यही है कि हम पेशेंट को बेहतर सेवा दे सकें। हमारा विज़न ये है कि हम पेशेंट को रैपिड जेंटल परमानेंट क्योर दे सकें और भी अफोर्डेबल कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि नालासोपारा में मुझे पता है कि यहाँ पर पेशेंट के पास में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पैसे को लेकर काफ़ी समस्याएँ भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पेशेंट का हेल्थ वो अफोर्डेबल कॉस्ट में ट्रीटमेंट दिया जा सके और उसको क्योर करके डिस्चार्ज करके घर भेजा जा सके, ये हॉस्पिटल की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। एंड हमारा मोटो जो है वो हमने रखा है, पेशेंट हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। अस्पताल में 2400 घंटे एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन की उपलब्धता गंभीर मरीजों के बेहतर और जल्द इलाज का आश्वासन देती है। आइए सुनते हैं इस मरीज की कहानी, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा था, उस वक्त उन पर क्या बीत रही थी, उन्हें कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे और माँ सरस्वती अस्पताल में एडमिट होने के बाद उनकी स्थिति कैसी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं ऐसा फीलिंग कर रहा था कि मैं अभी मेरी सांसें रुक जाएंगी और मैं एकदम नर्वस हो गया था और मुझे कुछ समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं पहले डॉक्टर के पास, अपने लोकल डॉक्टर के पास गया। वहां से उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सरस्वती हॉस्पिटल में जाओ। यहां पे आया, मुझे जहाँ रिपोर्ट में बता रहे थे कि आपको हार्ट अटैक आया था और आप भी समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक कैसी बीमारी है। यहाँ के डॉक्टर इमीडिएटली मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दिए कि मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं, मुझे बहुत रात हुआ और तुरंत मुझे आराम हुआ। यहाँ के नर्सेस ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, इतना अच्छा इलाज हुआ मेरा। अभी मैं एकदम कंफर्टेबल फीलिंग कर रहा हूँ, मतलब केयरफुली उन्होंने मुझे मेरा ट्रीटमेंट किया। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा होकर जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बिल भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा आया हुआ था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर मैं इतना बिल पे नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए मुझे, तो उन्होंने डिस्काउंट भी दिया मुझे। माँ सरस्वती अस्पताल का मकसद कम से कम खर्च में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जो वाकई में एक बड़ी बात है, खासकर उन मध्यम वर्गीय लोगों को लिए जिनके लिए निजी अस्पतालों का बिल भरना किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ पर हमने अब तक मरीजों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं, अच्छा इलाज देने की पूरी हमने कोशिश की है। हमारा पूरा टीम, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, हम लोग पूरे उसमें एफर्ट में लगे हुए रहते हैं और अभी तक हमने काफ़ी मरीजों को अफोर्डेबल कॉस्ट में हमने ट्रीटमेंट भी दिया है, जिसमें कभी सर्जरी, कुछ ऐसी सर्जरीज भी थी जो काफ़ी कॉस्ट जिसका था, लेकिन हमने डॉक्टर से बात, पैनल से बात करके उसको कम से कम रेट में हमने करा के पेशेंट की बेनिफिट में हमने दिया है। बहुत सारे पेशेंट को हमने काफ़ी डिस्काउंट रेट में भी हमने ट्रीटमेंट अवेलेबल कराई है और वैक्सीनेशन में हमने मास ड्राइव किया,
यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे वैक्सीनेशंस भी हमने दिए हैं नियर बाई एरिया में। जब यहाँ पे वैक्सीनेशंस फर्स्ट डोज की बात थी उस समय हमने काफ़ी लोगों को सेवा प्रदान की। छोटे छोटे कैंप्स भी होते हैं जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को दवा की सुविधा मिल सके वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। हर बीते वक्त के साथ माँ सरस्वती हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होता जा रहा है। जो भी क्रिटिकल से क्रिटिकल भी केसेस होते हैं वी वर्क एज अ टर्शियरी केयर। वहाँ पर हम पेशेंट को रिकवर करके उनको डिस्चार्ज करने तक की हम पूरी कोशिश करते हैं। इस समय हमारे पास में मेडिक्लेम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत जल्द हम अपकमिंग सेवाएं में हमारी जिप्सा पैनल आ जाएंगी, राजीव गांधी योजना आ जाएगी। वी आर कमिंग विथ कैथलैब एंड जिसमें हम पेशेंट का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डिक रिलेटेड चीज़ें हम कर सकेंगे। मेरी यही कोशिश है कि मैं हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर बना सकूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे अफोर्डेबल रेट पे इलाज कर सकूं जो संभव हो सके। एक इकोनॉमिक पुअर पेशेंट, गरीब पेशेंट को भी हमारी तरफ से, हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कैंप के थ्रू बेनिफिट मिलते रहे। हम आपको बता दें कि आने वाले वक्त में अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही कैथ लैब जैसे उपकरण के आ जाने से जल्द ही अस्पताल वाकई में चिकित्सा से जुड़ी उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा पाएगा।